आज के दिन सन 1767 में कर्नल स्मिथ की सेना ने चंगमा की लड़ाई में निजाम और हैदर अली की संयुक्त सेना को हराया था। 1833 में अमेरिका में बेंजामिन एचडे ने पहला अखबार न्यूयॉर्क सन शुरू किया था। 1923 में देश के दिग्गज तबला वादक पंडित किशन महाराज जी का जन्म हुआ था। 1939 में जर्मनी के पोलैंड पर चढ़ाई करने के दो दिन बाद ब्रिटेन फ्रांस ने उसके खिलाफ जंग का ऐलान किया था। 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने इटली पर हमला किया था। 1950 में एमिलियो नीनो फरीना पहले F1 वर्ल्ड चैंपियन बने। 1984 में दक्षिण फिलीपीन में भयानक तूफान में तकरीबन 1300 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। 1958 में नेल्सन मंडेला ने गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसकी कड़ी आपत्ति जताई थी। 2003 में पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला किया था। 2004 में 3 दिन से अपहरणकर्ताओं के कब्जे से रूसी सैनिकों ने स्कूल मुक्त कराया था। मुक्त कराने की इस कार्रवाई में कम से कम 200 लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर स्कूली बच्चे थे। 2006 में भारतीय मूल के भरत जगदेव ने गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 2007 में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और उनके पुत्र अराफात रहमान भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। और इसी साल 2007 में चीन के झिनजियांग प्रांत में चीनी और जर्मन विशेषज्ञों ने लगभग 16 करोड़ साल पुराने एक जीव के 17 दांत खोजने का दावा किया था। 2008 में राजेंद्र कुमार पचौरी संयुक्त राष्ट्र की संस्था जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल IPCC के दोबारा प्रमुख चुने गए थे। 2014 में भारत और पाकिस्तान में एक साथ आई बाढ़ में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2020 में आज ही के दिन भारत और रूस ने अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने के लिए एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दिया था।